भक्ति दान गुरु दी जियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं करूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है, कौन सी वस्तु ये मांग रहा है, इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चल है, जब डॉक्टर होगा तो सही हो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं नियमत ऐसे कर दो ऐसे कर, तू वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहाँ आ जाते हो आप उपचाराधीन हैं और आपका रोग कौन सा है, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग योरे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु को ये न पूजे इन झूठों जगपतिया सी, साचा सतगुरु को ये न पूजे इन झूठों जगपतिया सी, झूठ अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, ही जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है, क्या बताया कि जन्म मरण का रोग लग गया है और यह तृष्णा बडरी खांसी और आवागमन की, ऊपर जाओ फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ, मनुष्य बनो गधे बनो कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो फिर जाओ, फिर वहाँ से नेक्स्ट आदेश हो गधा बन गधा बनो फिर जाओ, फिर आदेश बने कुत्ता बनो कुत्ता बनो, मनुष्य बनो देवता बनो फिर राजा बनो फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है,
और वो विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि तीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुनकर्म कति खत्म हो जाएंगे सतयुग त्रेता द्वापर में। सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप रहे हैं और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके? वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सत भक्ति का। प्रथम चरण जो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, हजार वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ के बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल दो साल तीन साल चार वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं स्वर्ग महास्वर्ग, महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता हुआ आपसे, आपके पुण्यों से कहीं 20% 25% कहीं पर 10% ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है और वहाँ आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहाँ रहती हैं स्वर्ग में महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं, इतने युग एक दो जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।